चंबा जुम्महार संपर्क मार्ग पर रविवार को एक कार के गहरी खाई में जा गिरने से दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार चल रहा है। कार में कुल 3 युवक सवार थे, जो कि शहर के धडोक मोहल्ले के रहने वाले थे। पुलिस ने दुर्घटना में मारे गए युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिए हैं। उपमंडलीय प्रशासन की ओर से नायब तहसीलदार संदीप कुमार ने मृतकों के परिजनों को 10,000 और घायल को 5,000 की फौरी राहत प्रदान कर दी है। जानकारी के अनुसार रविवार सवेरे करीब 11 बजे जुम्महार से चंबा की ओर आ रही कार नंबर HP 48 6955 लुडो के समीप अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। परिणाम स्वरूप इसमें एक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल मोहित ने मेडिकल कॉलेज चंबा में उपचार के दौरान घावों की ताप को न सहते हुए दम तोड़ दिया। दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल कार्तिक की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। आज सुबह SDM सर का मुझे फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे जुमार और मतलब यहाँ रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ है। मैं फ़ौरन यहाँ हॉस्पिटल आ गया हूँ और यहाँ मुझे आके मतलब कंफर्म हुआ कि भी एक लड़की की डेथ जो है वो ऊपर स्पॉट पे हो गई थी और दूसरे दो इंजर्ड को यहाँ ले आए थे।
लेकिन उनमें से एक इंजर जो और था मोहित, उसकी भी डेथ यहाँ पे हो गई है। तो अभी हम जो जिनकी डेथ हुई है दो की, उनको 10,000 रुपये फॉरन रिलीफ जो है अदायगी अभी कर देंगे, और 5,000 रुपये जो इंजर्ड है उसको हमने एलोकेट कर दिया है। तो अभी एक बॉडी मतलब आ रही है ऊपर से ना जी, एक बॉडी ऊपर से लेके आ रहे हैं, एक बॉडी यही है, बाकी पोस्टमार्टम अभी हो जाएगा, उसके बाद जो है बॉडी इनके मतलब जो परिवार के लोगों को लिफ्ट कर दी जाएगी।